अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर या वीडियो वायरल होते देखे होंगे जिसमें अनचाहे नवजात को झाड़ियों में लोग सामाजिक शर्मिंदगी के कारण फेंक जाते हैं। कई बार देखा गया है कि फेंके गए ऐसे अनचाहे शिशु को जानवर अपना निवाला बना लेते हैं। लेकिन आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में अब एक शानदार पहल शुरू हुई है। इस पहल को नाम दिया गया है आश्रय पालना स्थल। यह पालना स्थल माँ भगवती विकास संस्था उदयपुर के सहयोग से आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग के सामने लगने जा रहा है। पालने में कोई भी अनचाहे नवजात को बिना पहचान उजागर किए छोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि ऐसे अनचाहे नवजात को लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं सुनसान जगहों पर छोड़ जाते हैं और कई बार ऐसे नवशिशुओं को जानवर नोचते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए एक प्रयास किया गया है जो एक सराहनीय कदम है। कूड़ेदान में मिलते थे या किसी ऐसी जगह जैसे रेलवे स्टेशन, अस्पताल के सामने लावारिस के रूप में मिलते थे। कई बार दुर्घटना होती थी, उन्हें बंदर, कुत्ते नोच के अकाल कलवित कर देते थे या फिर वो ऐसे हाथों पड़ जाते थे जो कि असामाजिक तत्व थे। तो इस सब के लिए एक बहुत अच्छा सोच और उसको लीड किया है इस संस्था ने। ये एक अच्छी बात है और एक सार्थक प्रयास है। इससे वो अनचाहे बच्चे यहाँ पर जब आएंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और फिर उन स्थानों पर जाकर उनका लालन पालन होगा जो उन्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि देगा, पारिवारिक वातावरण देगा और उनका भविष्य को एक दिशा देगा।